तुम मुझे खून दो, मैं करूंगा इसका कारोबार। झारखंड की खून चुसवा हेमंत सरकार का फरमान। ब्लड लेने से पहले चुकानी होगी मोटी रकम। यदि आप झारखंड में हैं और अस्पताल में हैं और अचानक ब्लड की जरूरत पड़ गई तो अब फ्री नहीं बल्कि प्रोसेसिंग चार्ज के तौर पर 1,050 रुपए चुकाने होंगे। अस्पताल सरकारी है तो पैसे नहीं देने होंगे, लेकिन झारखंड के सरकारी अस्पतालों में इलाज का मतलब ही मौत है। ज्यादातर लोग प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराते हैं, मतलब साफ है जनता के खून पर सरकार अपना कारोबार चमकाना चाहती है, जिसका जमकर विरोध हो रहा है। झारखंड में ड्रैकुला सरकार का राज पूरी तरह से कायम है। सरकारी ब्लड बैंक से खून लेने पर चुकाने होंगे अब चार्ज। प्राइवेट अस्पताल में भर्ती मरीजों पर भारी बोझ है। ब्लड बैंक से खून लेने पर देने होंगे 1,050 रुपए। मंगलवार से हेमंत सरकार का फरमान लागू कर दिया गया है। पहले सरकारी ब्लड बैंक से ब्लड लेने पर किसी तरह का कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं देना होता था। खून के लिए जरूरतमंद मरीजों की जेब पर भारी बोझ है। रक्तदान में सहयोग करने वाली संस्थाओं में इस फैसले के बाद आक्रोश है। हेमंत सरकार ने आखिर किस आधार पर यह फैसला लिया, समझ से परे है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि क्या सरकार जनता के खून का कारोबार करना चाहती है, जबकि सरकार का तर्क है कि प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत प्रति यूनिट ब्लड का 2,000 रुपए लिए जाते हैं, फिर सरकारी ब्लड बैंक को चार्ज देने में क्या दिक्कत है। लेकिन एक बात तय है, मुफ्त में ब्लड देने वाले डोनर्स के साथ ये सरासर धोखा है। दरअसल उनके ब्लड पर सरकार धंधा करने में लग गई है।